हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा टीवी का और एक नया फॉल रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टीवी ऑन करके टीवी में क्या फॉल्ट हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं टीवी ऑन करने से ऑन हो गया, लेकिन टीवी का पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट लाइट जल रहा है और इसका जो प्रॉब्लम हुआ है टीवी का डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन टीवी ऑन है यही प्रॉब्लम हुआ है। तो आप देख सकते हैं टीवी फिलामेंट जल रहा है, इसका मतलब टीवी ऑन हो गया, लेकिन टीवी का डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन है, लेकिन टीवी का डिस्प्ले में कोई लाइट नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। तो पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट जलने का मतलब ये समझना होगा टीवी ऑन है। तो आप देख सकते हैं टीवी का स्विच ऑन ऑफ करने से फिलामेंट ऑन ऑफ हो रहा है। तो फ्रेंड ऐसा प्रॉब्लम होने का बहुत सारे कारण है, तो और क्यों होता है, कौन सेक्शन से होता है, कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम होने से ऐसा होता है, तो फ्रेंड आज यही प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे ठीक करना है और बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं और देखते रहे मेरा वीडियो को शुरू से इन तक। तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम के बारे में इससे पहले मेरा चैनल पे और भी कुछ वीडियो डाला, उस वीडियो में बताया कौन सेक्शन कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में बताऊँगा इस प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज चेक करना होगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले सीआरटी बोर्ड का सप्लाई वोल्टेज चेक करना ज़रूरत है, ऑल सप्लाई वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज सप्लाई दिखा रहा है, सीआरटी बोर्ड में एक ही एसी वोल्टेज सप्लाई रहते हैं जो फिलामेंट के लिए। ये सप्लाई वोल्टेज ना मिलने से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है, मेरा पिछले वीडियो में दिखाया। तो यहाँ का फिलामेंट सप्लाई 5 वोल्ट एसी ओके है, और उसके बाद और इसके अलावा सीआरटी बोर्ड में जो सप्लाई है सारे सप्लाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सीआरटी बोर्ड का एयर और एक सप्लाई वोल्टेज है 116-70 वोल्टेज का आसपास। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर का मेन कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज भी ओके है। सीआरटी बोर्ड का और एक सप्लाई वोल्टेज रहते हैं जो वीडियो आउटपुट ट्रांजिस्टर के काम करने के लिए यहाँ पे 8 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यह 8 वोल्ट 8.24 वोल्टेज के आसपास, ये सप्लाई वोल्टेज भी ओके है। और तीनों कलर का इन सप्लाई वोल्टेज रहते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सप्लाई वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, जो तीनों कलर का सप्लाई वोल्टेज है रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों सप्लाई वोल्टेज हमें अभी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.0 सप्लाई वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तीनों सप्लाई वोल्टेज, तीनों कलर का जो सप्लाई वोल्टेज इन सप्लाई वोल्टेज वो हमें नहीं मिल रहा है। तो यह का जो तीनों सप्लाई वोल्टेज ये हमें नहीं मिल रहा है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है रेड ग्रीन ब्लू, ये सप्लाई वोल्टेज आता है मेन आईसी से, जो हमारा सर्किट का मेन आईसी है वहाँ पे हमें चेक करना ज़रूरत है इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे तो सप्लाई वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें जाना होगा मेन आईसी के पास, मेन आईसी से ये सप्लाई वोल्टेज आता है सीआरटी बोर्ड में, इसलिए हमें मेन आईसी का सप्लाई वोल्टेज चेक करना ज़रूरत है उससे पहले। तो आप देख सकते हैं ये जो वायर है इस वायर से ही मेन आईसी से सप्लाई वोल्टेज सीआरटी बोर्ड में आता है, तो इसलिए हमें मेन बोर्ड का जो मेन आईसी है उसका सप्लाई वोल्टेज चेक करना होगा। तो आप देख सकते हैं यह जो पिन पॉइंट जहां से रेड ग्रीन ब्लू सिग्नल सप्लाई वोल्टेज आउट होता है मेन आईसी से,
तो यहाँ का सप्लाई वोल्टेज हमें चेक करना ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का 8 वोल्ट सप्लाई ओके है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है रेड ग्रीन ब्लू आउटपुट सप्लाई, जो सिग्नल आउट होता है वो सप्लाई, तो अभी यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है हमें। तो उसके बाद हमें आईसी का पिन का सप्लाई वोल्टेज चेक करना होगा, जहाँ से मेन आउट होता है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये जो पिन है यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है इस पॉइंट से। तो यहाँ का सप्लाई वोल्टेज चेक करने का मतलब मेन आईसी का सप्लाई वोल्टेज ही चेक करना है। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन डायरेक्ट है यहाँ से, तो यहाँ पर भी हमें सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही सप्लाई ओके है 8.4 वोल्टेज, लेकिन जो रेड ग्रीन सप्लाई है वो मेन आईसी से आउट नहीं हो रहा है। तो फिर ये जो प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ का मेन आईसी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको समझना होगा मेन आईसी काम नहीं कर रहा है, मेन आईसी ख़राब हो सकता है। लेकिन इसके वजह से दो कारण हो सकता है, एक मेन आईसी ख़राब हो सकता है और मेन आईसी को काम करने के लिए जो सप्लाई वोल्टेज ज़रूरत है वो वोल्टेज नहीं मिलने से मेन आईसी काम कैसे करेगा। इसलिए हमें मेन आईसी का सप्लाई वोल्टेज चेक करना होगा। इस सेक्शन के काम करने के लिए एक 5 वोल्टेज देते हैं यहाँ पर दो, तो दो सप्लाई मिलने से ऐसी ठीक से काम करेगा। तो यहाँ पर एक 5 वोल्टेज ओके है और यहाँ पर और एक 5 वोल्टेज सप्लाई रहना है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, जो वीडियो आउटपुट सेक्शन का काम करता है मेन आईसी का काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड ये वोल्टेज मिलने के बाद भी नहीं काम करेगा तो समझना होगा मेन आईसी ख़राब है बिल्कुल, और ये वोल्टेज मिलने के बाद काम करेगा तो सही है, ठीक है। तो चलिए ये सप्लाई वोल्टेज कहाँ से आता है हमें चेक करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 5 वोल्टेज का ज़रूरत है डीसी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 5 वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। ये जो 5 वोल्टेज इस तरफ यहाँ से आता है यहाँ से, तो आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ से आता है ऐसे, तो ये जो 5 वोल्टेज सप्लाई कहाँ से आता है हमें ये फॉलो करना होगा सर्किट पे। यहाँ से इस तरफ, यहाँ से यहाँ पर भी सप्लाई नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर रहते हैं जो 5 वोल्टेज आउट होता है जहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ का इन सप्लाई वोल्टेज ओके है 11 वोल्टेज का आसपास 11 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर इन सप्लाई वोल्टेज ओके है रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का जो 5 वोल्ट 11 वोल्टेज का आसपास, लेकिन आउटपुट जो 5 वोल्टेज सप्लाई है यहाँ पर आउट नहीं हो रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर काम करता है 5 वोल्टेज और 8 वोल्टेज आउटपुट करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है, 8 वोल्टेज आउट हो रहा है यहाँ से। और ये जो 8 वोल्टेज बिल्कुल ओके है, ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, लेकिन ये जो नंबर 2 ट्रांजिस्टर दूसरा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसका 5 वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से मैंने इसको सप्लाई नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें यही ट्रांजिस्टर का फॉल्टी नज़र आ रहा है। तो फिर यहाँ का सप्लाई वोल्टेज इन वोल्टेज ओके, लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ख़राब होने का संभावना बहुत है, हमें इसको चेंज करके देखना होगा मीटर सर्किट से निकाल कर।
यह है वो ट्रांजिस्टर। तो चलिए पहले इस ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखते हैं यह का सप्लाई वोल्टेज ठीक होगा क्या नहीं। तो इसे सर्किट से निकालना होगा पहले। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यह है वो ट्रांजिस्टर। इसको मीटर से चेक करके देखते हैं क्या कंडीशन है इस ट्रांजिस्टर। तो आप देख सकते हैं मीटर से टच करने से ठीक से शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इस ट्रांजिस्टर ओपन हो चुकी है जो आउटपुट पॉइंट ये काम नहीं कर रहा है इसीलिए। तो फिर ये ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है तो हमें इसे चेंज करके देखना होगा पहले। तो आप देख सकते हैं इसका नंबर है 2655। तो फ्रेंड इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 2655 का नंबर है। तो यहाँ पर सेम नंबर का ट्रांजिस्टर लगाना होगा। यह वो नया ट्रांजिस्टर 2655 नंबर का। इसको यहाँ पर लगाना होगा जैसा थी वैसे ही। तो फ्रेंड ट्रांजिस्टर तो मैंने नया लगाया लेकिन इसके बाद हमें फिर से एक बार वोल्टेज चेक करके देखना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज अभी मिल रहा है। जो सप्लाई पहले नहीं थी यहाँ पर वो सप्लाई अभी मिल रहा है। यह इसका 5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट। यही 5 वोल्टेज प्रॉब्लम थी पहले अब मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज अभी हमें मिल रहा है। यहाँ का सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है। तो मेन एसी का सप्लाई वोल्टेज तो आप देख सकते हैं अभी मेन एसी का सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर दोनों पिनों का 5 वोल्ट सप्लाई अभी मिल रहा है। और जो रेड ग्रीन ब्लू आउटपुट सप्लाई वोल्टेज अभी मिल रहा है तो मेन एसी काम कर रहा है। तो फ्रेंड इसका मतलब समझना होगा मेन एसी को 5 वोल्ट सप्लाई अभी मिलने से ठीक से काम कर रहा है। और उसके बाद सीआरटी बोर्ड का सप्लाई वोल्टेज एक बार चेक करके देख लेते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज भी अभी ठीक हो गया। सारे सप्लाई वोल्टेज अभी मिल रहा है ठीक से। यहाँ पे 8.4 वोल्ट्स ओके। तो
सीआरटी बोर्ड का ऑल सप्लाई वोल्टेज ओके। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक हो गया है सप्लाई वोल्टेज। तो चलिए टीवी का डिस्प्ले देख लेते हैं, टीवी का लाइट ओके ठीक हुआ क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं टीवी का लाइट बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।